हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करेंगे ट्रू वायरलेस ईयरफोन का, जो कि है न्यू रिपब्लिक कंपनी की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है जैक्सबड्स 3। तो इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मेरे हाथ में ये बॉक्स है जिसके ऊपर ब्रांडिंग दी गई है, न्यू रिपब्लिक का है, जैक्सबड्स 3 मॉडल नंबर दिया गया है। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इसका जो ड्राइवर है 6mm डायनेमिक ड्राइवर है, कॉम्पैक्ट केस है स्टोरेज करने के लिए, IPX3 वाटर रेजिस्टेंस है ये, स्वेट प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ है ये, बिल्ट इन माइक्रोफोन भी दिया गया जिससे कि आप हैंड फ्री कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पीछे भी कुछ और इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन किए गए हैं, जैसा कि ब्लूटूथ 5 के साथ आता है। इसके अलावा जो इसका रेंज है वो 10 मीटर दिया गया जैसा कि ये बोलते हैं, लेकिन मैं भी आगे बताऊंगा कि एक्चुअली कैसा परफॉर्म करता है ये, कैसी बैटरी लाइफ है, ये सब चीजें हम इस आगे के वीडियो में देखेंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा इसमें बैटरी दिया गया कि 4 to 5 hours चलता है, टॉक टाइम 4 hours का है, चार्जिंग 1 hour। तो ये सब हम देखेंगे आगे के वीडियो में कि क्या वाकई जैसा ये क्लेम करते हैं, जैसा कि इस बॉक्स में मेंशन किया गया है, वैसा ये परफॉर्मेंस देता है कि नहीं, उतना बैटरी बैकअप देता है कि नहीं, और जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, डीप बेस है, तो वो सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इस साइड में बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट्स है वो दिए गए हैं, तो चलिए इसको ओपन करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं, उसके बाद हम इसके साउंड क्वालिटी को भी चेक करेंगे। बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है ये हमारा जो पेन एक बॉक्स है, जो कि इसका चार्जिंग केस भी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो फिनिश दिया गया है ये है रबरी फिनिश है, एक तरह से मैट फिनिश दिया गया है। तो चार्जिंग केस को हम साइड में रखते हैं, चार्जिंग केस या कैरी केस कह लीजिए आप इसको। इसके अलावा इसमें मिलते हैं 2 ईयर पीसेज, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो इसके ईयर जेल्स आते हैं ये आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बॉक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो ईयर जेल्स दिए गए हैं, तो 2 साइज और आपके दिए गए हैं, स्मॉल साइज, लार्ज साइज और इसमें मीडियम साइज ऑलरेडी लगा हुआ है। तो टोटल आपके पास 3 साइज अवेलेबल है, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। इन सभी को साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें मिलता है कुछ ये यूजर मैनुअल है, जिसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और फाइनली मिलता है ये पेपर जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे तो आपको कैशबैक, एक्सटेंडेड वारंटी या फिर कुछ गुडीज उनकी तरफ से मिलेगा। तो फिलहाल इस बॉक्स के अंदर इसके अलावा आपका चार्जिंग केबल भी दिया गया है, जो कि एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है। चार्जिंग केबल की जो क्वालिटी है वो एकदम नॉर्मल सी है, बहुत स्पेशल क्वालिटी नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर पावर ब्रेक नहीं दिया गया है, तो आपको अपना खुद का जो फोन का चार्जर है या फिर कोई अलग से अडाप्टर आपको परचेज करना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग केस की। काफी स्लिम दिया गया है, पॉकेटेबल है, आपका आसानी से किसी भी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। तो जो फिनिश दिया गया है वो रबरी फिनिश है, जो कि बहुत आसानी से डस्ट पकड़ता है। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको कुछ क्लॉथ रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें डस्ट चिपकता रहेगा। इस बॉक्स को ओपन करने का जो मैकेनिज्म दिया गया वो स्लाइड है, आप इसको स्लाइड करके आसानी से ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे ये स्लाइड मैकेनिज्म उतना स्मूथ होता चला जाएगा। अंदर पे आपके 2 स्पेस दिए गए जहाँ पे आपने ईयरबड्स को रख के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्टर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट राइट मेंशन है तो वो प्रॉपर सेक्शन में ही लेफ्ट राइट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर दिया गया है, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो केस है वो कितना चार्ज है। जब आप इन ईयरबड्स को इसके अंदर रखते हैं, जो कि मैग्नेट के थ्रू एकदम लॉक हो जाते हैं, तो आपका ये लाइट जो है इंडिकेटर जल जाता है। देखेंगे यहाँ पे 4 लाइटें जल रही हैं, एक लाइट अप्रॉक्सिमेटली 25%, तो आपका पता चल जाएगा कितना बैटरी चार्जिंग केस में बचा हुआ है। इसके फ्रंट में यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है, जिससे कि आप इस केस को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन ईयरबड्स की। तो जैसा कि देख सकते हैं काफी स्लिम और छोटे ईयरबड्स दिए गए हैं, काफी हल्के भी हैं ये, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। आसानी से फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ करने जाते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, शायद सही फिट ना बैठे, तो आप इन ईयर जेल्स को चेंज करके आप ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज के दिए गए हैं इसके अंदर, तो एक बार अगर आप यूज टू हो जाएंगे तो ये बहुत आसानी से आपके कान में फिट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन बाद में एकदम आसानी से ये फिट होने लगे। ये भी जो आपका है वो रबरी फिनिश है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डस्ट ये कैच कर रहा है। यहाँ टॉप पे एक बड़ा सा बटन दिया गया है, जिसको आप प्रेस करके इस डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये डिवाइसेस जो है वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन स्प्लैश प्रूफ और स्वेट प्रूफ जरूर है। अगर आप इसको जिम में यूज करते हैं, आपको पसीने होते हैं, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें माइक्रोफोन दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 6mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है, जो कि काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5 दिया गया है, और जो इसका रेंज है वो कंपनी क्लेम करती है 10 मीटर, लेकिन मेरे टेस्टिंग में अगर 10 मीटर रेंज देगा, लेकिन अगर आप ओपन एयर में है, खुले फील्ड में है, घर के अंदर है, कमरे के अंदर पूरी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन अगर आप एक दीवार के दूसरी साइड जाते हैं तो 2 मीटर भी इसका रेंज नहीं आएगा, तो मतलब ये मोटी दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 2 घंटे में ये चार्ज होता है। इसके अलावा 20 घंटे का टोटल जो इसका बैटरी लाइफ है वो देती है, 5 घंटे इसका प्लस 3 बार इससे और इसको चार्ज कर सकते हैं, तो कुल मिला के आपका 20 घंटे कंपनी का क्लेम है।
लेकिन जो मैंने टेस्टिंग की है वो ईयर पीसेस का मुझे 4 घंटे मैक्सिमम मिला है, जो कि मैंने 30-50% वाले वॉल्यूम पे इसको चलाया था, तो मुझे 4 घंटे का ही बैटरी लाइफ मिला है। और इसको 3 बार नहीं चार्ज कर पाया मैं इससे, इसको लगभग 2.5 बार, मतलब 2 और 2 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि 20 के बजाय आपको 12 घंटे सॉलिड बैटरी लाइफ मिल सकती है। तो इन ईयरबड्स का जो वेट है वो लगभग 54 ग्राम है, और ये दोनों तरह के डिवाइसेस के साथ सपोर्टेड है, चाहे वो आपका आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फोन हो। एंड्रॉयड फोन में कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखती है, जैसे कि इसकी बैटरी लाइफ एंड्रॉयड फोन में दिखती है, लेकिन आईफोन में वो आपको नहीं दिखेगी। और इस डिवाइस की वारंटी जो है वो आपका 6 मंथ्स की है। इसकी जो प्राइस की बात करें वो आपके इसके साइट पे करीब 2700-2800 कुछ लिस्टेड आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करते हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपको ये तकरीबन 2000 के राउंड पड़ेगा। इसके अलावा आप इसको अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये तकरीबन 2000 के राउंड ही मिलेगा। मैं इसको तकरीबन 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसका साउंड क्वालिटी बहुत पसंद आया। 2000 के रेंज में एक बेहतरीन ट्रू वायरलेस ईयरबड है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ने मुझे इसको भेजा है, एक्चुअली मैं इसको लाइक करता हूँ और मुझे साउंड इसका बहुत पसंद आया सॉन्ग सुनने के लिए। जैसा कंपनी क्लेम करती है डीप बेस है इसका, तो वो भी इसमें देखने को मिलता है। स्पेशली मुझे पता है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि इससे पबजी खेल सकते हैं कि नहीं, तो मैंने इसको पबजी के साथ भी यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उसमें लेटेंसी दिखी, कुछ मिली सेकेंड्स की लेटेंसी मुझे फील हुई, जिससे कि मुझे जो फुटस्टेप्स की आवाज़ है वो मुझे क्लियरली नहीं समझ में आ रहा था कि कौन किधर से आ रहा है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको पबजी खेलने के लिए लीजिए, लेकिन आपका मूवी देखने का मन हो या फिर आप इस पे म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो मैं ये ईयरबड्स जरूर रिकमेंड करूंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी है, डीप बेस है आपका, इसके वोकल्स बहुत क्लियर हैं, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, इसके अलावा स्वेट प्रूफ है, स्प्लैश प्रूफ है, क्विक पेयरिंग सिस्टम दिया गया है, जैसे ही आप इसको केस से निकालते हैं ऑटोमेटिक पेयर हो जाता है अगर आपने पहले से इसको पेयर करके रखा है। तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो इस डिवाइस को पूरी तरीके से वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। तो इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। पेयर करने के लिए आपको इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करके रखेंगे और तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक कि ये रेड और ब्लू ना जलने लगे। तो आप देखेंगे रेड और ब्लू जलने लगे। अब आप अपने फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे और वहां जा करके आप जैक्सबड्स 3 चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे और ये आपके पेयर हो जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं, आप इनको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि दोनों एक साथ चलेगा, आप एक को रखे रहिए, एक को यूज़ कीजिए। इसके अलावा जो इसमें एक चीज़ मुझे पसंद आई कि आप इसके थ्रो डायरेक्टली आपका अगर आईफोन है तो आप सीरी को इन्वोक कर सकते हो, अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस है तो गूगल असिस्टेंट को इन्वोक कर सकते हो। आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे बटन को तो ऑटोमेटिक आपका जो सीरी या फिर आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप इससे आप फोन कॉल कर सकते हो, बोल के आप फोन कॉल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।